अगली खबर का रुख कर लेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में कोरोना के 3 मरीज मिले। आलमबाग, निषादगंज, जानकीपुरम में मरीज मिले। नए मरीजों के मिलने से विभाग में हड़कंप मच गया। ज्यादा जानकारी ले लेंगे अनूप हमारे सहयोगी, इस खबर पर मजा जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कोविड का नया वेरिएंट बड़ी ही तेजी से फैल रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में कोविड के मरीज पाए जा रहे हैं, लखनऊ में भी 3 कोविड के मरीज मिले हैं। देखिए, JN1 का जो कोरोना का नया वायरस है JN1, उसका जो नया वेरिएंट मिला जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार कह रहा है किसी भी को भी डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, लोग एहतियात बरते और जरा से भी कोई भी लक्षण अगर सिम्टम नजर आते हैं तो डॉक्टरों की सलाह लें। इसी कड़ी में लखनऊ की बात करें तो सर्दी जुकाम के 3 मरीजों ने, जिसमें 2 महिला एक पुरुष था, लखनऊ के ही विभिन्न इलाकों के थे ये लोग, और ये लोग अपनी जब सर्दी जुकाम हुआ ये जांच कराने गए तो इनकी जांच में जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी, यानी कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप जैसी स्थिति रही। लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग, जो लखनऊ के CMO डॉक्टर मनोज अग्रवाल हैं, उनका कहना है कि किसी तरह से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम एक आम बीमारी है, मौसम बदलाव के साथ ये होता ही रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जरूरी एहतियात है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका फॉलो किया जाए, और जो 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके जो संपर्क में जो लोग थे उनको भी ट्रेस किया जा रहा है कि उनमें किस तरह के लक्षण हैं, और उनसे भी कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह के सिम्टम अगर होता है उसमें तो जांच कराएं, और जांच के बाद जो जरूरी एहतियात है, जरूरी जो उपचार है वो करें। फिलहाल जो 3 मरीज जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो आइसोलेट, यानी पृथक घरों में ही रहकर उनका आइसोलेट कर दिया है, घरों में ही रहकर उनका इलाज किया जा रहा है, और इससे पहले करीब 5 दिन पहले एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, अब वो उसकी भी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो कहने का मतलब ये कि जिस तरह से JN1 वायरस को लेकर हवा बनाया जा रहा है, उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग है, जो डॉक्टर है, वो लगातार कह रहे हैं कि किसी तरह को किसी को डरने की जरूरत नहीं है, उसका वायरस का प्रसार हो जरूर रहा है क्योंकि सर्दी का मौसम है, आमतौर पर ये बीमारियां होती हैं सर्दी जुकाम, लेकिन उसमें से कोरोना के जो पेशेंट आते हैं उनको भी आइसोलेट कर उनका इलाज किया जा सकता है, इलाज किया भी जा रहा है, और इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग लगातार अवेयर कर रहा है कि किसी तरह का कोई लोग पैनिक ना हो, सिम्टम आए तो डॉक्टरों की सलाह लें और उचित उपचार करें। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुप, और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं।